अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक एंड टैकन सब दुनिया भर से हमारे तमाम मौजूद नाजरीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदी सो so गाइस एक तो मिडनाइट में एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे मार्केट पम्प कर रही है और दूसरी एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है शीबा इनू टोकन होल्डर्स के लिए जिन दोस्तों के पास यहाँ पे शीबा इनू की एक अच्छी तादाद पड़ी है डेफ़िनेटली उनको एक मुद्दत से ऐसी न्यूज़ का इंतज़ार होगा जो मैं आगे चल के आपसे शेयर करने वाला हूँ सो गाय सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की कैपिटलाइजेशन की जिसमें इस वक्त जो कि सारा दिन मार्केट में इजाफा नहीं हो सका कैपिटलाइजेशन में हम इस वक्त देख रहे हैं कि इसमें तेरह बिलियन डॉलर का इजाफा हो रहा है अभी भी मार्केट वन ट्रिलियन जैसे एक ज़बरदस्त लेवल से बहुत दूर है लेकिन ये सरमायाकारी दोस्तों डायरेक्टली बी टी सी डोमिनंस को मजबूत कर रही है यानी कि बी टी सी थर्टी नाइन पॉइंट सेवेंटी पर पहुँच चुका है डोमिनंस और हमें यहाँ पर आ, आर्ट क्वाइन में कोई ख़ास मूव दिखाई नहीं दे रही ठीक है तो क्या यहाँ पर बी टी सी अभी एटीन थाउजेंड के लेवल को क्रॉस कर चुका है अब यहाँ पर कुछ ख़ास पॉइंट्स होंगे जो मैं आपसे बी टी सी और कैंडल के चार्ट जा कर के डिस्कस करने वाला हूँ उस पार्ट को आपने मिस दोस्तों नहीं करना ताकि आपको पता चले कि आगे चल करके होने क्या वाला है तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बी एन बी की क्या बी एन बी की क्या सूरत हाल है का आज हमारी बी एन बी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी टू सिक्सटी फाइव से टू एटी एट दो सौ पैंसठ से दो सौ अठासी और बी एन बी ने यहाँ पर ट्रेड जनरेट की टू सिक्सटी नाइन से टू सेवनटी टू और अभी ये टू सेवेंटी थ्री में जा रहा है खैर हम देखेंगे कि इसमें फोर डॉलर जो के थे वो जनरेट हो सके सुबह की मार्केट के लिए बी एन बी की दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी टू 66 से 287 ये एक बी के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल होगा और यहाँ पर स्टेबल तरीन क्वाइन में सिर्फ एक्स बेहतर आ रहा है अपनी पोजीशन में पॉइंट थर्टी तक आ चुका है और अब 22 टू भी, आ भी आ, आपको आगे देखने को मिल रहा है फर्दर यहाँ पर अभी डोज क्वाइन और कार्डानो स्ट्रक हैं अब बात करते हैं दोस्तों पोलीगोर्मेटिक की जिसे हमने सपोर्ट के तौर पे बाय करना था पॉइंट नाइन्टी वन पे ठीक है और इसने यहाँ पे लो लगाया पॉइंट नाइन्टी वन का उसके बाद से मैटिक हाई लगा कर आया है दोस्तों पॉइंट नाइन्टी थ्री सिक्सटी का तो यहाँ पर हमारी इसकी एक यहाँ पर बाइंग कंप्लीट हो गई हमें एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने को मिली अभी मौजूदा मार्केट में आप मेटिक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं नाइन्टी थ्री फोर्टी पर तिरानवे चालीस और इसकी जो सेकेंड सपोर्ट है वो अभी भी हम यहाँ पर देर में रखेंगे वो है पॉइंट एटी फोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है गाइस आज एल ने यहाँ पर अचानक से क्रैश करना शुरू कर दिया ठीक है एटी डॉलर का इसने हाई लगाया बहुत बुरी तरह क्रैश कर गया है हमारी सपोर्ट तो इसके अंदर कवर हो गई जो हमने आपसे एल की सपोर्ट शेयर की थी गाइस वो थी सतर इशारिया दस ठीक है और उसके बाद इसने हाई लगा दिया सतत्तर इशारिया तिरसठ का अब ये फिफ्टी थ्री सेंट की ट्रेड तो हो गई लेकिन एल टी सी क्रैश कर गया तो अभी एल टी सी को सुबह की मार्केट के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं सेवनटी सिक्स पॉइंट एटी पे छिहत्तर इशारिया अस्सी तक का इसका लो हमें देखने को मिल सकता है सो गाय यहाँ पर सभी दोस्तों के लिए एक और न्यूज़ अच्छी है सोलाना होल्डर्स के लिए कि सोलाना ने एक लंबे अरसे के बाद आज एक बहुत अच्छे लेवल को टच कर लिया ठीक है यानी कि चौदह इशारिया एटी नाइन 14.89 और 14.78 पे अभी ये ट्रेड होता हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों ये इस वक्त वॉल्यूम इंक्रीजिंग टोकन में आ चुका है ठीक है सोल के प्राइस इस वक्त इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट दुनिया में अच्छी खासी इस कॉइन पे एक मरतबा इसका पास्ट देखते हुए दुनिया लगा रही है तो हम यहाँ पे सोलाना को चौदह शरीय साठ पे ये पीक की बाइंग होगी जेन में रखिएगा लेकिन अभी इसकी हमें सपोर्ट यही बनती दिखाई दे रही है और इसकी मैं दूसरी सपोर्ट भी आपसे शेयर करूँगा गाय वो है ट्वेल्व पॉइंट नाइन्टी अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों शीबाइनू की शीबा इनू हमें इस वक्त फाइव जीरो नाइन्टी वन पर देखने को मिल रहा है और बड़ी हैरानगी की बात है कि शीबा इनू इस वक्त तक मार्केट में तकरीबन बारह सौ डॉलर का पंप आ चुका है लेकिन ये पंप नहीं कर रहा अब मैं आपसे इसकी न्यूज़ शेयर करता हूँ गाइज ये न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन की है ठीक है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ शीबा इनू सप्लाई गोन नाउ सिक्सटी ट्रिलियन लेफ्ट टू डिस्ट्रॉय गाइज आपको क्या पता है कि शिबा इनू की आधी सप्लाई यहाँ पर उड़ा दी गई है और सिक्सटी ट्रिलियन लेफ्ट है डिस्ट्राई होने के लिए अभी भी ठीक है तो इस न्यूज़ को यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसका मतलब क्या है ये ज़रा गौर कीजिएगा the supply of biggest meme coin is the is uh, coin on the market is decreasing rapidly and almost half of its offering is gone with the continuously decreasing supply shiba inu should become healthier on the market as fewer tokens are available for sale previous U.Today dot today report how the burn rate of the biggest meme coin on the market has been rapidly rising breaking मल्टी मंथ रिकॉर्डिड स्पाइक आप इसको खबर को यहां से पढ़ते हैं 50 so guys, इसकी न्यूज जो है यहाँ पर इसकी सप्लाई को बर्न करने की बात कर रही है और आधी से ज्यादा सप्लाई जो है इसकी उड़ने की बातें हो रही हैं यानी कि उड़ चुकी हैं और अभी सिक्सटी परसेंट जो बाकी रह गई है सो so गैज़ यहाँ पर शिबा इनू को एक अच्छा पंप ये देखने को मिल सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने एक ज़ीरो को कम करेगा और यह न्यूज़ आने वाले दिनों में क्या रंग लेकर आती है तो उसके बाद से इसमें मज़ीद एक और ज़ीरो कम हो सकता है लेकिन एक ज़ीरो और कम होने का मतलब ये है कि ये वाकई ही न्यूज़ आगे चल कर के काम करे अभी मुझे ये सिर्फ जस्ट यहाँ पर मौसू हुई है तो मैंने आपसे फ़ौरी तौर पर शेयर कर दी है ताकि हमारी ऑडियंस मार्केट में आती हुई हर हाँ अपडेट से आगा हो अच्छा अब इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पर कि आप अब शिबा इनू लेके बैठ जाए ठीक है ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ये उन दोस्तों के लिए न्यूज़ है जिनके पास पहले से ही यहाँ पर शिबा इनू अवेलेबल है और क्या ये रंग लेकर आएगी न्यूज़ उसके लिए डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वेट करना होगा अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेड के लिए और टोकन बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं शिबा इनू गाइज यहाँ पर बाजुकात यह है कि आपको ख़बरों के सिलसिले में उलझाए रखता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि जो ये कहता है वो पूरी बात हो जाए मार्केट में क्योंकि इसकी एक लंबी हिस्ट्री है डेढ़ साल की अठारह मंथ की एटीन मंथ की कि ये जो है जो कहता है वो दिखाई नहीं देता ठीक है तो मैं चाहता था कि मैं आपको इस खबर से आगाही भी दूं और इसके फ्यूचर की भी बात हो जाए सो क्या इस यूनिसेफ हमने आज छः डॉलर पे जो है इसकी सपोर्ट शेयर की थी इसकी बाइंग हुई इसने हाई दिया सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फ़ोर का तो ये एक अच्छी ट्रेड देकर गया हमें आज के सेशन में चौबीस सेंट की अभी से ये फिर पंप हो रहा है यूनिस्वैप तो इसे हम करंट प्राइस पे फर्स्ट सपोर्ट के तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं यानी कि 6.10 एंड 6.14 ये एक अच्छा लेवल इसके लिए बन रहा है एक लंबे अरसे से इस मार्केट में चेन लिंक दोस्तों पंप नहीं कर रहा ठीक है।, है और बहुत से दोस्त हैं जिनके पास सेवन डॉलर की इसकी बाइंग मौजूद है अभी मैं समझता हूँ कि 6.89 पे इसकी वो एक सपोर्ट है ही नहीं वो जो थी वो 6.40 की है वहाँ तक चेन लिंक गया नहीं वहाँ से रिटर्न कर चुका है तो अब होगा क्या ये मैं आपको बताता हूँ चेन लिंक सेवन डॉलर के बाद ही पंप करने वाला है ठीक है तो सेवन डॉलर के बाद इसका मैक्सिमम पंप होगा सेवन पॉइंट ट्वेंटी एट से सेवन पॉइंट थर्टी फाइव ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर देगा और उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता आपका चेन लिंक को होल्ड करने का और इसी के साथ यहाँ पर हम अब बात करेंगे टॉन की जो मैं आपसे अक्सर डिस्कस करता हूँ कि इसकी जो सूरत हाल है वो एग्जैक्टली टी आर टी आर टोकन की तरह है सो ख़ैद यहाँ पर टॉन की मैंने आज की आपके सामने सपोर्ट ओपन की है ठीक है टॉन ने टू का फिर से लो लगाया और उसके बाद ये हाथ में नहीं आया आप देखें ये कितना बड़ा पंप लगा क्या है 2.86 का सुबह तक इसका जो मैक्सिमम हाई था टॉन का वो था दोस्तों टू एक टाइम आया कि बी का वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया और इसके प्राइस यहाँ पर डाउन कर गए थोड़ी देर के लिए टॉन ने लो लगाया दोस्तों आई थिंक छः से सात मिनट का ये लो था और उसके बाद ये आउट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कह सकते हैं कि इसने साठ सेंट की हमें ट्रेड दी अब टॉन को फिर से यूटिलाइज किया जा सकता है इसी मार्केट में टू पॉइंट फिफ्टी टू से टू पॉइंट एटी तक लेकिन याद रखिएगा इसकी एक सपोर्ट है वन की वो ये अगर यहाँ पर क्रैश करता है तो ये डेफिनेटली 1.85 पे जाके गिरने वाला है ये कंफर्म है उसके बाद यहाँ पर ऑटम मोनेरो और ईटीसी में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकी अभी तक इसका मतलब ये नहीं है कि तब्दीली नहीं आएगी आएगी लेकिन थोड़ा सा वेट हो सकता है ये उन टोकन में इस वक्त शुमार हो रही हैं जिनको थोड़ा सा वक्त लगने वाला है पंप होने में इसके बाद गाइस जो जिसके सक्सेसफुल आज सिग्नल रहे वो था बी सी एच वन ओ नाइन इसकी जो सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी हाई से दिया ट्रिपल वन पॉइंट फोर्टी का यानी कि आप कह सकते हैं कि दो इशारिया दस सेंट की इसने ट्रेड दी हमें टू पॉइंट टेन की यहाँ समझ लें दो डॉलर की ट्रेड दी और अभी से यह फिर थोड़ा सा एक्टिव है तो आप इसे अभी हमारे पास डेफिनेटली बी मौजूद नहीं है ठीक है बी को अभी आप यूटिलाइज़ करेंगे वन टेन पॉइंट सिक्सटी फाइव पे ये इसकी फर्स्ट बाइंग हो सकती है और सेकंड अब की मार्केट में वन और टू सो गायज यहां पर क्वांट हमारे पास वन टू वन की एक बाइंग थी ठीक है वो थी हमारी कल रात की जिसके बाद ये पंप नहीं हुआ तो क्वांट ने यहाँ पर छः डॉलर की ट्रेड जनरेट की है सो so गायज क्योंकि क्वांट में छः डॉलर का बड़ा पंप आ चुका है हमने इसे जब बाइक किया था वही एक लेवल था अब यहाँ पर क्वांट में जितनी ट्रेड होगी वो रिस्की होगी ये बात ज़िन्न में रखिएगा ठीक है अब इसने पंप ही होना है तो पंप करते क्वाइंट में मैं समझता हूँ एंट्री लेना बेवकूफ़ी होती है सो लिहाजा मैं अभी फिलहाल क्वाइंट को यहाँ पर इग्नोर कर दूंगा ए पी ई फोर डॉलर पर दोस्तों हमारे हमने आपसे इसकी सपोर्ट शेयर की थी ए पी ई का हाई रहा कहाँ गा, एक हाइफ यहाँ पर फोर पॉइंट फोर्टीन का तो डेफिनेटली आप यहाँ से इसमें से अभी एग्जिट नहीं कर पाए होंगे तो भी आपके पास एक चांस है फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव का ओके बी की यहाँ पर हमारी बाइंग होनी थी सपोर्ट के मुताबिक बाईस इशारिया सत्तर ट्वेंटी और जिसके अकॉर्डिंग हमने ओ बी में ट्रेड यहाँ पर जनरेट की और हम इस वक्त 55 सेंट के प्रॉफिट में हैं अब ओ के बी दो इससे ज़्यादा फिलहाल पंप नहीं होने वाला इसके बदले हम आपसे कुछ मजीद नए टोकन यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे गाइस डबल ए बी आज मजीद पंप नहीं हो सका मुसलसल ये बासठ इशारिया पचास से तिरसठ इशारिया बीस के दरमियान ट्रेड करता रहा लेकिन मौजूदा मार्केट में डबल ए बी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है 62.90 पे ये अभी की मार्केट में आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकता है सी एच जेड की दोस्तों में आपसे हिस्ट्री आज सुबह तफसी शेयर कर चुका हूँ सो गैज डैश की यहाँ पर अब, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे डैश की मैंने आपसे जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी फोर्टी एट पॉइंट फिफ्टी फाइव इसने लो लगाया फोर्टी एट पॉइंट सेवेंटी का यानी कि एक्यूरेटली अपनी प्राइस पे ये नहीं आ सका पंद्रह सेंट का फ़र्क रहा लेकिन 48.70 के अकॉर्डिंग इसने 60 सेंट की ट्रेड दी है डैश दोस्तों अभी भी इस मार्केट में आपको 1.20 तक की ट्रेड दे सकता है तो लिहाजा हम इसे यूटिलाइज करेंगे 48.80 पे। और नियो का वॉल्यूम यहाँ पे दोस्तों बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहा है आप देखें बहुत ही अच्छा इसका इस वक्त यहाँ पे मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है सो गायर उसके बाद रोनी कॉइन आप देखें 1.49. इसकी भी पोजीशन यहाँ पे उन दोस्तों के लिए बेहतर हो रही है जो पहले से ही इसमें बाइंग करके फंस चुके हैं दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मैं आपको मज़ीद एक अहम चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो एयरवीव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है गाय एयरवीव ने नो इशारिया जीरो पाँच का हाई लगाया उन दोस्तों की फिर से एग्जिट हो गई जिनकी बाइंग थी एट पॉइंट एटी पच्चीस सेंट के साथ अभी यहाँ पर एयरवीफ की फिलहाल बाइंग यहाँ पर नहीं बनती ठीक है जिन्होंने भी नौ डॉलर की बाइंग कर रखी है वो यहाँ पर अभी स्टे करेंगे सो so गायज़ जैसे कि आप जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का सिर्फ और सिर्फ एक सेमीफाइनल और फाइनल बाकी रह गया है तो अब आपने फेडस एक्सचेंज पे फाइनल की यहाँ पर पार्टिसिपेशन करके ट्रेड कैसे करनी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं बी टी सी और टीम के कैंडल चार्ट की तरफ सो गैज यहाँ पर हम आ गए हैं फेडस के ओवरव्यू की तरफ जहाँ पर हम आपसे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में आ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसके फाइनल राउंड के लिए ओपन करेंगे यहाँ पर इसकी ये जो स्लाइड चल रही है स्लाइड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज एक क्वार्टर फाइनल है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्वार्टर फाइनल तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा यहाँ आखिरी मराहल में होगा अब रह गया दोस्तों फाइनल फाइनल की सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और लास्ट डेट आपके सामने है एटीनथ दिसंबर यानी कि फाइनल के दिन तक आप इसे प्रिडिक्ट करके विन कर सकते हैं जैसे कि सभी जानते हैं कि अर्जेंटाइन जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और अब फाइनल जो होगा इसके साथ कौन खेलेगा इसको आपने प्रडिक्ट करना है विन के लिए तो विनिंग में फाइनलाइज आपको एक टीम सेलेक्ट करनी होगी जी के अर्जेंटीना जीतती है या यहाँ पर फ्रांस आती है क्योंकि अभी एक सेमीफाइनल यहाँ पे चल रहा है मराकश और आ, फ्रांस के दरमियान उसमें से जैसे ही एक टीम विन होकर इसके साथ आएगी तो आप प्रेडिक्ट करेंगे प्रेडिक्ट करने के बाद जाहिर बात है आपको जो इनामात मिलेंगे वो सेम ही होंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वन वॉचर फॉर एवरी ट्वेंटी थाउजेंड कॉपी ट्रेडिंग वन वाउचर यानी कि आपको वाउचर्स भी अलहदा मिलेंगे और आपको इनामत भी मिल सकते हैं जिनकी मालियत ये है आपके सामने सो so गैज़ अभी तक जिन दोस्तों ने प्रडिक्ट एंड विन कर लिया है वो ग्यारह हज़ार एक सौ अड़सठ दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर विनिंग कर ली है अच्छा दोस्तों एक और बात कि अगर यहाँ पर ट्रेड के दरम्यान आपको किसी किस्म का भी कोई एरर देखने को मिले तो आप फौरन एप्लीकेशन को अपग्रेड करेंगे या अपने मोबाइल को रिस्टार्ट सो so गैज बढ़ते हैं मार्केट की तरफ सो so गाइज आप देख रहे हैं कि मिडनाइट में एक लंबे अरसे के बाद बी टी सी यहाँ परफॉर्म कर रहा है ठीक है इसने हमारी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दरम्यान अट्ठारह हज़ार दो सौ पचास से लेकर के अठारह हजार तीन सौ उन्नीस तक का हाई लगा दिया है और मैं अगर अपनी बाइनास की एप्लीकेशन पर देखूँ तो ये हाई इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ सिचुएशन दोस्तों कुछ ये बन रही है कि बुलिश इंग कैंडल हमें यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है विदाउट एनी डाउन शेडो आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस लाइन है वो अठारह हज़ार यानि कि एटीन थाउजेंड वन सेवेंटी है और टॉप पे आप इसे इससे तकरीबन वन टेन डॉलर प्लस देख रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि फ्रंट पे जो प्राइस है वो बैक एंड पे नहीं है बैक एंड पे हम देखेंगे कि गाइस आप देख सकते हैं कि फोर और की ईच कैंडल सिर्फ सपोर्टिंग थी ये देखें वन टू थ्री फोर उसके बाद से अब ये जो नई कैंडल बन रही है ये सिर्फ रोल अप हो रही है ये देखें बुलिश एंगेल्फिंग अच्छा अब ये बुलिश इन का मतलब ये है कि जो मैंने आपको प्राइस बताए थे अट्ठारह हज़ार तीन सौ पचास के कि जी ये वहाँ पर रजिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू बनेगी एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी बहुत अहम है इस वक्त जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो कंप्लीट हो गए होते हैं एक होता है सुबह का ट्रेडिंग सेशन यानी कि सुबह पाकिस्तान के साढ़े छः बजे से ले कर साढ़े ग्यारह बजे तक और एक ट्रेडिंग सेशन होता है इवनिंग का साढ़े छः से रात ग्यारह बजे तक तो अब इस वक्त ट्रेडिंग सेशन तो क्लोज़ हो चुके हैं ठीक है थीके? उसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि बी की मार्केट पम्प एंडम्प हो रही है कितने में अठारह से ले कर तक तो इसमें हमें जो एक लेवल चाहिए वो है 18,350 का विद रेजिस्टेंस ऑफ 90 मिनट अच्छा ये रेजिस्टेंस बनती है दोस्तों डेढ़ घंटे की यानी कि वन आवर और, और फिर उसके ऊपर आधा घंटा ठीक है तो ये 90 मिनट की जो सपोर्ट है इसे अगर आप फॉलो करें तो इस वक्त ट्रेडिंग सेशन क्लोज़ हो चुके हैं लेकिन हमें सुबह की मार्केट से पहले पहले अगर बी टी पे देखने को मिलता है तो ये हमें अठारह हज़ार तक का हाई दिखा सकता है ठीक है और पम, ऐसा भी मुमकिन है कि ये वक्ती तौर के लिए नए उन्नीस हजार के लेवल को टच कर ले अच्छा आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि हमें बी में क्रैश क्या देखने को मिल सकता है गैज़ इस वक्त बड़े से बड़ा माहिर वो एक ही बात कर रहा है कि स्टिल बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है वो सत्रह हज़ार दो सौ है मेरे नज़दीक भी इसका लेवल सत्रह हज़ार दो सौ ही रहेगा क्योंकि इसकी सपोर्ट ही वही है और आप देखें कि इस वीडियो के दरमियान मार्केट क्या नाच नाचने जा रही है ये देखें अठारह हज़ार एक सौ पर आ गई ये जो कैंडल बुलिशिंग गेल्फिंग थी उसकी सारी खाल उतर गई और अब ये अठारह हज़ार एक सौ छिहत्तर यहाँ पे अठारह हज़ार सो एक बात में रखें इसका ये इतना ज़्यादा पम्प एंड डम्प हमें इस चीज़ की आगाही देता है कि बी की सपोर्ट वही है पंप करने के लिए हमें अठारह हज़ार तीन सौ पचास का वेट करना होगा कई दोस्त पूछते हैं कि सर लो का मतलब क्या है तो दोस्तों लो ये है कि आप लो पे इसे ट्रेड करेंगे ये देखें आपके सामने लाइव कैंडल बन रही है इतनी अलर्ट कैंडल आपने कभी नहीं देखी होगी ठीक है बहुत रेयर होता है कि मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूं और मार्केट इस तरह की पंप एंड डंप कर रही हो जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर सूरत हाल कुछ चेंज होने वाली है तो आपने इस कैंडल को फॉलो करना है ये देखें जो हमें बता रही है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ क्या है अब काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पर क्रैश भी कर रही है ठीक है ये देखें मार्केट कहाँ पर आ चुकी है सत्रह हज़ार आठ सौ सत्रह हज़ार तेज़ी से पम्प एंड डम चल रही है तो ये पंप एंड डम को आपने आँखों में रखना है ठीक है और सपोर्ट क्या है सत्रह हज़ार दो सौ की और रिजिस्टेंस वही फॉलो होगी अट्ठारह तो ऐसी मार्केट में अगर कोई टोकन आपको फ़ायदा दे सकता है तो वो खुद बी है बी को आप लो पर ट्रेड करेंगे मिनिमम और इसके साथ जो टोकन यहाँ पर तेजी से रिकवर कर रहा है दोस्तों वो सिर्फ है टोन टॉन आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे कुकवाइन में ओके में और ब्रिटगेट में बहुत से दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि सर पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे अवेलेबल है बायना में नहीं है तो आप इसको वहीं पर यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बाद इसी मार्केट में आपको सोलाना और टी डब्ल्यू टी जैसा टोकन फायदा दे सकता है अब बढ़ते हैं जल्दी से सेम के कैंडल चार्ट की तरफ सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम देखें आपके सामने इथीरियम का पंप एंड डंप क्या एक्टिव हुआ हुआ है ठीक है अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो अब मैंियम का भी आपको हाई बता देता हूँ ये तेरह सौ सैतालीस पे थार्टीन फोर्टी सेवन अब इस वक्त हम इसे ना क्रैश कंसिडर करेंगे ठीक है ना इसे हम पंप आप देखिए इथेरियम कितनी बुरी तरह यहाँ पर 30 से 35 डॉलर के दरमियान अप एंड डाउन कर रहा है तो ये डेफिनेटली जब आपको वीडियो मिलेगी सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है इथेरियम की सपोर्ट जो मैंने सुबह शेयर की थी वो अभी भी वही होगी वो है दोस्तों ट्वेल्व की ट्वेल्व फिफ्टी इसकी दोस्तों स्ट्रॉगस्ट सपोर्ट है ये इसकी सपोर्ट अगर टूटेगी तो ये 1210 पे जाएगा अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि ये 1210 पे जाए सपोर्ट पंद्रह मिनट तक बन भी सकती है पंद्रह मिनट में नहीं बनती तो यही सूरत हाल होने वाली है अभी फिलहाल उसके उससे पहले भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि तेरह सौ पाँच का लेवल तेरह सौ का लेवल ना टूटे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों के क्रैशिंग पिन कैंडल बनी है इसे हम पिन कैंडल कहते हैं पिन कैंडल वो होती है जो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती मतलब आप बिल्कुल अनजान हैं लेकिन इतना आपको पता होगा कि जब ऐसी कैंडल आप देखेंगे ना पिन कैंडल क्रैशिंग पिन या आप बिरिश पिन कह सकते हैं तो बिरिश पिन जो होती है वो आपको ऑलरेडी बता रही होती है कि जी मार्केट जो है वो बिल्कुल अपना एतबार खो रही है तो इस वक्त पी की मार्केट और इथेरियम की मार्केट दोनों इस वक्त अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो रही हैं ठीक है और ये लास्ट में आप देखें कि यहाँ पर बिरिश इंगल्फिंग बड़ी सी बन गई है ये जो है वो फुल डे कैंडल चार्ट से मुख्तलिफ है सो आप फॉलो करेंगे अभी ये अभी ये हमें कैंडल एक ही बात बता रही है कि ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सही ये 1250 को किसी भी वक्त टच कर सकती है तो 1250 पे आपकी एक एंट्री हो सकती है इथेरियम को लेकर के इथेरियम आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है और अगर आप टॉप पे एंट्री लेंगे तो वह बेवकूफ़ी होगी लोक आपको वेट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको इधर बिल्कुल इसके साथ एक सपोर्ट कैंडल बनती दिखाई देगी तो ये आपको फ़ायदा देगा और वही लेवल होगा इसमें ट्रेड का सो so गाइज़ इसके अलावा जो टोकन आपको थीरियम के साथ फ़ायदा दे सकता है वो है दोस्तों डबल ए वी ई हालांकि फ़्लो का भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन हम फ्लो को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और वो है ई एन एस फ्लो को इसलिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे कि फ्लो का इस वक्त जो मार्केट फेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यूँ तो रूनी भी बढ़ा हुआ है लेकिन उनकी फ़ेस वैल्यू मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डाउनफॉल कर चुकी है अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले पंप की इथीनियम में हमें तेरह की रजिस्टेंस चाहिए अब तेरह पे ये खड़ा रहा है तकरीबन 70 मिनट 90 मिनट पूरे करता तो ये डेफिनेटली हमें 1380 का हाई दिखाता सो यहाँ पे टाइम बहुत बहुत अहम है तो आप टाइम देखकर ट्रेड करेंगे अदरवाइज़ नहीं सुबह की मार्केट का आगाज़ होने से पहले इथीनियम तेरह सौ पैंतालीस अगर नहीं आता तो बहुत कम चांस हो जाएंगे इसके एक नया खाई लगाने के लिए सो so गाय अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़